वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 नवंबर 2019 और 23 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई भूमि नीति 2019 जारी की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने ये एक नई भूमि नीति 2019 जारी की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने ये एक नई भूमि नीति जारी की है और इस नीति को असम के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने जारी किया है और 30 साल के बाद असम में ये नई भूमि नीति जारी की गई है। इससे पहले 1989 में असम में भूमि नीति जारी की गई थी, उसके बाद से अब 2019 में असम में ये नई भूमि नीति जारी की गई है। अब बात असम की है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, जब भी बात असम की आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, असम का एक नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप याद रखिए असम में है। और जब एग्जामिनर को क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना होता है तो पूछ लेता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, या ऐसे पूछ लेगा कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ही है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और एक सींग वाले गेंडे से भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया के कौन से राज्य में एक सींग वाले गेंडे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको याद रखना है और एक और नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, उसका नाम क्या है? मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क भी असम में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 कहां शुरू हुई है? तो अभी नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 शुरू हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये 3 दिवसीय समिट है, इसमें 25 देशों की 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे। कितना? 25 देशों की 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे और ये ग्लोबल बायो इंडिया समिट नई दिल्ली में शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2019 में फिल्म बाजार का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म बाजार का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, और इन्होंने ही अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसका आयोजन कहां हो रहा है? तो इसके 50वें संस्करण का आयोजन हो रहा है गोवा में। कहां पे? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में तमिलनाडु टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में राज्यों में तमिलनाडु टॉप पर रहा है और जिलों में पूडापल्ली टॉप पर रहा है। पूडापल्ली ये तेलंगाना का एक जिला है और जिलों में ये टॉप पर रहा है। और सबसे अधिक नागरिक भागीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। तो ये 3 अवार्ड दिए गए हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 अवार्ड,
और ये किसने प्रदान की है? प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। ये हैं डीवी सदानंद गौड़ा और यही प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं और इन्होंने ही स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2019 का फोकस देश कौन बना है? तो अभी रूस IFFI 2019 का फोकस कंट्री बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक कर क्या होगा कि ये फोकस कंट्री का क्या मतलब होता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश को फोकस कंट्री घोषित किया जाता है। तो इस बार के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का फोकस कंट्री बना है रसिया, और रसिया की 8 फिल्मों को इस बार के भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया है। अब रसिया फोकस कंट्री बना है तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रसिया की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दमित्री मेदवेदेव। और रसिया से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि रसिया की संसद का नाम क्या है? तो रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 3 दिवसीय वैश्विक बौद्ध सम्मेलन शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में तिब्बत के जो धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा, वो इस वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र में अभी कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोशियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो अभी डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा वाराणसी में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव इसका उद्घाटन करेंगे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका उद्घाटन करेंगे और इसका आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में कौन शीर्ष पर आया है? तो अभी फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और फॉर्च्यून की इस बार की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की लिस्ट में ये टॉप पर रहे हैं। अच्छा, अजय वंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, ये 8वें नंबर पर रहे हैं और जयश्री उलाल ये 18वें नंबर पर रहे हैं, लेकिन सत्या नडेला फर्स्ट नंबर पर रहे हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक मंडली कहां शुरू हुई है? तो अभी मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक मंडली शुरू हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक मंडली है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आलमी तबलीगी इज्तिमा। क्या है? आलमी तबलीगी इज्तिमा, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हुई है और 4 दिन तक ये चलेगी। इसमें 54 देशों के 10 लाख से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कितना? 54 देशों के 10 लाख से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, पहली इस्लामिक मंडली कब हुई थी? पहली हुई थी 1944 में, और 1944 में जो पहली हुई थी वो भी भोपाल में हुई थी। उस टाइम केवल 14 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार 54 देशों के 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वाड देशों के पहले काउंटर टेररिज्म अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी स्वाड देशों के पहले काउंटर टेररिज्म अभ्यास की मेजबानी करेगा नई दिल्ली, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्वाड देश कौन से हैं? तो स्वाड देश हैं अपना देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये स्वाड देश हैं और इनके पहले काउंटर टेररिज्म अभ्यास की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। और NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका आयोजन करेगी।
एनआईए, इसके हेड कौन है? योगेश चंद्र मोदी। और एनआईए का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलावेनिल वाला रिवन और दिव्यांश पवार ने आईएसएसएफ विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी इलावेनिल वाला रिवन और दिव्यांश पवार ने इस बार के आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है इलावेनिल वाला रिवन, ये मात्र 20 साल की है और इन्होंने अभी 10 मीटर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और ये हैं दिव्यांश पवार, इन्होंने भी 10 मीटर राइफल इवेंट में इस बार के आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है ये कहां पे हो रहा है? तो इस बार का आईएसएसएफ वर्ल्ड कप चाइना में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने संभावित डायरिया टीका विकसित किया है? तो अभी स्वीडन के गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक संभावित डायरिया टीका विकसित किया है, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्वीडन में है गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी और इसी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने संभावित डायरिया टीका विकसित किया है। अब स्वीडन के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है तो यह है मैपनेस स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? स्टीफन लोफवेन। कौन है? स्टीफन लोफवेन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस बार की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।